पेट विकार और सम्मोहन उपचार, इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग इरिटेबल बावल सिंड्रोम अर्थात पेट विकार के आते हैं, उनको खट्टी खट्टी ढकार आती है, पेट फूल जाता है, लैट्रिन एक तो बहुत ज़्यादा लगती है या बहुत कम लगती है, मतलब होती नहीं है लैट्रिन, पेट फूलने से अनकंफर्टेबल होता है, ऐसा पानी पानी मुंह में आते रहता है, सीने में जलन होता है, खाने की इच्छा नहीं, पचन होता नहीं, पेट में पूरा गैस भरा रहता है, गैस नीचे से जाता है। ऐसे काफ़ी सारे पेट विकार होते रहते हैं, पचन संस्था के विकार है। उनको हम दवा देते हैं, दवा से भी अच्छे होते हैं और उनके साथ साथ मैं उनको सम्मोहन उपचार भी सिखाता हूँ और स्वसम्मोहन करने लगाता हूँ। तो यह स्वसम्मोहन क्या है उसका मैं सेशन आपको देता हूँ, यह आपको बताता हूँ। ये सेशन आप अपने घर में खुद होके स्वसम्मोहन मतलब खुद का सेशन खुद नहीं लेना, ऐसा करके अपने पेट बीमारी का या पेट विकार का इलाज कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा आपने सुनने का है और वैसा करने का है। तो सर्वप्रथम मैं अभी आपको मैं जो बार बार शब्द बोलूँगा उसकी मीनिंग बताता हूँ। एक मैं बार बार रिलैक्स ऐसा बोलूँगा, इसका मतलब शिथिल करना या ढीला करना, पूरा बदन ढीला करने का है। फिर मैं बार बार बोलूँगा स्लीप, स्लीप इसका मतलब सोना। तो जब मैं स्लीप बार बार बोलूँगा तो ऐसी कल्पना करना है कि अपन घर में गद्दी के ऊपर लेटे हुए ऐसे अपनी कल्पना करना, अपने आप को देखना है ऐसा। स्लीप जब मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा डीप, डीप मतलब गहरा। तो जब मैं डीप बोलूँगा तो आप गहरी गहरी गुफा में अंदर जा रहे हैं या आंखों के सामने ऐसा अंधेरा अंधेरा आ रहा है, ऐसी कल्पना करने का है जब मैं डीप डीप ऐसा बोलूँगा। फिर मैं सेशन दूंगा, 1 से 10 तक गिनती करूँगा और आपको गहराई में आप जा रहे ऐसा बोलते जाऊंगा और आप सम्मोहन के गहराई में जाके सम्मोहन अवस्था में पहुंच जाएंगे। वो पहुंचने के बाद में फिर मैं आपको सूचना दूंगा और फिर वो सूचना आपने सुननी है। जब मैं सूचना देता हूं तो सूचना सुननी भी है और वैसी कल्पना भी करनी है। बाद में फिर मैं आखिरी में 3 मिनट का समय दूंगा। वो 3 मिनट अंदाज है, वो समय में 2 या 3 मिनट, तो उसमें अपने अपने आप को कल्पना करना है कि अपन अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे है, जैसा खुद को चाहते थे कि कैसा खुद ने होना चाहिए वैसा हो गया है। मतलब ये पेट विकार में पेट बहुत ही हल्का हो गया है, पेट का मतलब पेट हल्कापन पेट में महसूस हो रहा है, या फिर जो एसिडिटी होती थी, खट्टी ढकार आती थी या जलन होती थी, उसमें बहुत ही रिलैक्स और शांत लग रहा है, खाने की इच्छा हो रही है, आत्मविश्वास बढ़ चुका है और हल्का फुल्का रहने से फिर काम में भी स्फूर्तिलापन लग रहा है और अपने आप को ऐसा देखना है कि अपन अच्छे हो गए अभी। तो ऐसा बार बार आपने ये करने का है, खुद ने मतलब देखने का है। जब मैं आपको 3 मिनट का समय दूंगा और 3 मिनट के समय के बाद में फिर मैं बोलूँगा 3 से 1 तक उल्टी गिनती करो और वो उल्टी गिनती करने के बाद में फिर आपको जाग आ जाएंगे और जाग आने के बाद में फिर आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, उत्साहित लगेगा। तो इस तरह का ये आप पूरा सुन लो और ये फिर घर में आपने ईयरफोन लगा के ये करने का है। बार बार जब आप करेंगे तब आपको फ़ायदा होगा। सम्मोहन में सिर्फ सूचना देके फ़ायदा होता नहीं है, सूचना देने के साथ मतलब आत्म सुझाव अपने आप को देने का है या मैं दूंगा तो सुझाव, आत्म सुझाव या सजेशंस जो है वो, जो सजेशंस देख के सिर्फ फ़ायदा होता नहीं है, सजेशन के साथ साथ जब आप कल्पना करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। तो आइए हम चालू करते हैं। तो आपने क्या करना है, जब आप बैठेंगे तो आपने हाथ ऐसे एक दूसरे में ऐसे उंगलियाँ फंसा के रखना है और हाथ ऐसे गोद में रखने का है। ऐसे गोद में रखेंगे हाथ नीचे पैर के ऊपर और पैर जो है वो पैर को ऐसे कैंची मारना है नीचे और आप दीवार को ऐसा टेक के बैठते हैं, ऐसा कुर्सी को पीछे सिर टिका के रखते हैं तो अच्छा है इस तरह से। ठीक है, आपने बैठना है ऐसा एकदम रिलैक्स होके बैठना है और सुनने का मैं जो बोल रहा हूँ। तो पूरा बदन रिलैक्स करो, पूरा बदन रिलैक्स 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 करना है। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए। पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए। पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स। घुटने रिलैक्स करो, दोनों घुटने रिलैक्स हो गए। दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए। पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो रही है, कमर रिलैक्स हो गई, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स करना है, सीना रिलैक्स हो गया, आंखें बंद रख के पूरा बदन रिलैक्स। और जो मैं बोल रहा हूँ वह भाग, वह हिस्सा आपने रिलैक्स 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 करने का है। कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलकें रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा सिर रिलैक्स करो, पूरा सिर रिलैक्स 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 हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स करो, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, पूरा बदन रिलैक्स, हाथ पैर सभी रिलैक्स 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 हो गए। एंड नाउ स्लीप स्लीप स्लीप, डीप, आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आँखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में जा रहे हैं। मैं अभी 1 से 10 तक गिनती करूँगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, गो डीपर एंड डीपर। स्लीप स्लीप स्लीप, 7 8 9 10। एंड नाउ स्लीप स्लीप स्लीप, डीप, आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा चुके हैं, डीप 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 जा चुके हैं, आँखों के सामने अंधेरा 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 छा गया है और आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा चुके हैं। बहुत गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था लगी हुई है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, डीप डीप डीप, मैं भी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं, वह सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करना है। वह सूचनाएं अपने रोज के जीवन में, अपने रोज के व्यवहार में अपनाने की है। जब जब आपके मन में बार बार एसिडिटी के विचार आएंगे, अंगार छाती में हो रही एसिडिटी का विचार आएंगे, डकार आएंगी या गैस हो रहा है ऐसे विचार आएंगे या बार बार पेट के विचार आते जाएंगे, तो आपको उसका एहसास होगा कि विचार जो है वो बार बार गए, फालतू के हैं, इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये विचार है। ये विचारों को आप बाजू में रखेंगे और अपने काम के ऊपर फोकस कर सकेंगे। जब जब आपके मन में बार बार के इरिलेवेंट पचन संस्था के विचार आएंगे, खट्टी डकार के विचार, गैस के विचार, पेट फूल गया ऐसे विचार, खाना नहीं धक रहा ऐसे विचार, ज़्यादा लेटरिन को लग रही है ऐसे विचार, ऐसे कोई भी विचार आपको पचन संस्था के बारे में आते हैं और वो बार बार आके आपको तंग कर रहे हैं, तो आप उसको बाजू में रखेंगे, साइड में रख देंगे और अपने काम के ऊपर फोकस कर सकें। जब जब आपके मन में बार बार के पचन संस्था के विचार आएंगे, खट्टी डकार, एसिडिटी, जलन, गैस होना, लैट्रिन को नहीं लगना, बार बार लैट्रिन को जाना, ऐसे पूरे पचन संस्था के विचार, आईबीएस के विचार बार बार आ रहे हैं, तो आपको उसका एहसास होगा कि विचार जो है वो बार बार के फालतू के हैं। एक्चुअली वो विचार है, उसको कुछ नहीं करने का है, उसको बाजू में रखना है। उसको आप बाजू में रखेंगे और अपने काम के ऊपर फोकस कर सकेंगे। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सक रहे हैं। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सक रहे हैं। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सक रहे हैं। अभी मैं आपको 3 मिनट का समय दे रहा हूं। यह 3 मिनट के समय में आपने अपने आप को आंखें बंद रखना है और अपने आप को देखना है कि मैं एकदम अच्छा हो चुका हूँ। उसके बाद अच्छी भूख लग रही है, पचन संस्था एकदम ठीक है, पेट में जो गैस फूलती थी वो निकल गई है, बार बार के जो विचार पेट के बारे में आते हैं वो गायब हो गए हैं, गैस नीचे सरक रही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब आप सबको मिल रहे हैं, बहुत खुशी में है। डकार आना, गैस से पेट फूल जाना, मतलब आप ये सब निकल गए और आप जैसे खुद को चाहते हो कि मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहिए वैसे आप बन चुके हो, बहुत ही बढ़िया। ऐसे आपने कल्पना करना है, आंखें बंद रखिए और अपने आप को कल्पना करो कि अपन अच्छे हो गए, बहुत बढ़िया लग रहा है, भूख भी लग रही है, पचन भी हो रहा है, सभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसी कल्पना करो, मैं अभी चुप रहूँगा। आपने ऐसी कल्पना करना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को विजुअलाइज करना है। जैसा अपने आप को आप आईने में देखते हो वैसा अपने आप को देखना है कि मैं अच्छा हो गया हूँ, मस्त हो गया हूँ, मिलना जुलना घूमना फिरना बहुत ही अच्छा और वैसे अच्छे हो गए, ऐसी कल्पना करना है। ऐसी कल्पना करो। 3 मिनट का समय समाप्त हो चुका है। आपको बहुत ही रिलैक्स लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, वंडरफुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। पचन संस्था के, पेट विकार के सभी प्रॉब्लम निकल चुके हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी खाना भी अच्छा जाता है, वजन भी आपका बढ़ गया है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, वंडरफुल। अपने आप को देखो, मैं अभी 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा। जैसी जैसी गिनती कम कम होते जाएंगी वैसे वैसे आपकी सम्मान अवस्था धीरे धीरे खुल जाएंगी और आपको जाग आ जाएगी। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, उत्साहित लगेगा, एकदम वंडरफुल, बहुत बेस्ट लगेगा। 3, आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं, आपको जाग आती जा रही है। 2, और 1, उठो, जाग जाओ, आंखें खोलो, आपको जाग आ चुकी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वंडरफुल। अभी जो सेशन है, ये सेशन अभी आप रोज 4 बार यदि करते हैं, रोज 4 बार अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो बार बार हैमरिंग कर दे कि नहीं अभी मैं अच्छा हो चुका हूँ, अच्छा हो चुका हूँ, टेंशन कम है, रिलैक्स रिलैक्स लग रहा है, तो उसका फ़ायदा बहुत जरूर होगा। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में कहाँ टेंशन है, मतलब काय का टेंशन है, काय के बारे में टेंशन है, उसके बारे में भी हम पेशेंट से बात करते हैं कि भाई क्या अटक के बैठा हुआ है दिमाग में, क्या। जैसा भी एक पेशेंट जो आया था, उसने बताया कि मैंने पिताजी से कुछ पैसे लिए थे, घर की कोई खेती थी, 26 लाख का नुकसान हो गया। जब 26 लाख का नुकसान हुआ तो बहुत ही बड़ा हादसा हो गया कि भैया कैसा भर के निकालूंगा। उसी समय उसका एक लड़की के साथ में ब्रेकअप भी हो गया। अब दोनों जब हो गए कि ब्रेकअप भी हो गया और 26 लाख का नुकसान भी हो गया, उसको चालू हो गए सिम्टम्स पचन संस्था के, इरिटेबल बावल डायरेक्टली, और उसमें बहुत परेशान हो गया। और आखिरी में मेरे पास में आया कि देखो ये अच्छा करो, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मैंने उसको ये मौन सिखाया, उसमें उसको बहुत अच्छा लगा। तो ज़रूर आप करो, दिन में रोज 4 बार करो, फ़ायदा ज़रूर होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सभी इरिटेबल बावल सिंड्रोम जिनको है, आपको लगता है कि जिनको पेट का प्रॉब्लम है, उनको ज़रूर उनको शेयर करो ताकि उनके जीवन में फ़र्क पड़ेगा, वो अच्छे हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।